अहिंसा परमो धर्म की सीख देने वाले जैन समाज के आचार्य श्रीकाम कुमार नंदी जी महाराज की निर्मम हत्या का मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। उसी बीच अब भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से पत्र परिषद का आयोजन किया गया। भारत ये ऋषि मुनियों का देश रहा है। इन्हीं संतों ने हमें विरासत में प्राप्त जैन संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन किया है और कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में परम पूज्य दिगंबर जैन आचार्य श्री काम कुमार नंदी, जो कर्नाटक के चिक्कोड़ी ब्लॉक के हिरेकुंड में नदी पर्वत पर दिगंबर जैन आश्रम में विराजमान थे और धर्म प्रभावना में कार्यरत थे, 5 जुलाई 2023 को आचार्य श्री का अपहरण हुआ और बर्बरतापूर्वक उनकी हत्या कर दी गई। 7 जुलाई 2023 को आचार्य श्री के शरीर के टुकड़े एक बोरवेल में करीब 35 किलोमीटर दूर पाए गए और आचार्य श्री का सर कहीं और पाया गया। इस घटना के कारण समग्र जैन समाज, जो अहिंसा में विश्वास रखता है, उनमें रोष है। समग्र जैन समाज के मुख्य प्रतिनिधि गण का कहना है कि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार इस प्रकार की दिगंबर मुनि की हत्या हुई है। इसी घटना को लेकर सकल जैन समाज नागपुर भी काफी आक्रोशित है और घटना की निभत्सना करती है। आरोपियों को कठोर कारावास के लिए कर्नाटक प्रांत के मुख्यमंत्री, प्रशासन एवं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के नाम ज्ञापन दिए गए हैं। इन ज्ञापन के द्वारा मांग की गई है कि घटना की शीघ्र ही पूरी छानबीन कर अपराधियों का पता लगाकर उन्हें कठोर से कठोर दंड दिया जाए, जिससे ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो पाए। वही साधु संतों के वास्तव एवं विहार में यदि श्रावकों द्वारा किसी प्रकार की शिकायत दर्ज कराई जाती है तो वहां उनकी सुरक्षा हेतु तुरंत पुलिस सहायता प्रदान करने के आदेश जारी किए जाए। साथ ही जैन संतों व अल्पसंख्यक जैन धर्मावलंबियों की सुरक्षा सभी सरकार सुनिश्चित करे। कल नागपुर शहर में लंबे जैन समाज का मोर्चा होने वाला है, क्योंकि मोर्चा के पीछे उद्देश्य है कि कर्नाटक प्रांत में बेलगांव जिले के अंतर्गत चिकोड़ी गांव के पास में हमारे दिगंबर जैन साधु आचार्य काम कुमार नंदी जी महाराज की जो हत्या की गई है, उस हत्या के निषेध में सकल जैन समाज के द्वारा नागपुर शहर में गांधी बाग से संविधान चौक तक जो मोर्चा निकलने वाला है, उसमें सकल दिगंबर जैन समाज, सकल समाज करीब करीब कुछ नहीं है तो 10 से 15 हज़ार लोगों का संख्या बल रहेगा, जो शांति प्रिय होकर के इसे मोर्चा में सभी लोग चलेंगे, जिसमें हम सभी साधु संत भी रहेंगे, जिसमें दिगंबर जैन साधु रहेंगे, श्वेतंबर जैन साधु रहेंगे और अन्य भी समाज के साधु रहेंगे और सभी लोग जैन धर्म की रक्षा करने के लिए, जैन मुनि की रक्षा करने के लिए सरकार से मांग करेंगे कि हमारी जैन मुनियों के लिए आहार में, जैन मुनियों के विहार में और उनके विश्राम में जहाँ जहाँ भी हमारे जैन मुनि विचरण करते हैं उनके लिए व्यवस्था दी जाए, उनकी सुरक्षा की जाए, ये हमारे जैन समाज का पूरा यह उद्देश्य है। इस मोर्चा का यही मुख्य कारण है कि हमारे जैन मुनियों के लिए सहयोग दिया जाए और उनकी सुरक्षा रक्षा बढ़ाई जाए। हमारे साधु समुदाय की और हमारे जैन समाज की यही मांग है कि उनके लिए सख्त से सख्त जो सजा है वह सजा दी जाए और आगे इस प्रकार से कोई कुकृत्य नहीं किया जाए, इस प्रकार से किसी जैन मुनियों के साथ, जैन साधुओं के साथ इस प्रकार से कोई घटना नहीं घटे, ये हम सब लोग ऐसा चाहते हैं कि उनको सजा, अच्छी से अच्छी सजा दी जाए कि जिसको देख कर के किसी के भी मन में विचार नहीं बने, ऐसा हम सब लोगों की मांग है। इस निंदनीय घटना का सकल जैन समाज नागपुर घोर निंदा करता है और यह निर्णय लिया गया है कि इस निंदनीय घटना की जानकारी हजारों की संख्या में जुलूस के माध्यम से और परम पूज्य आचार्य सुवीर सागर जी के मंगल सानिध्य में संविधान चौक पर एक सभा का आयोजन किया है। तत्पश्चात जैन समाज का शिष्टमंडल जिलाधिकारी नागपुर को एक ज्ञापन देकर इस कृत्य का घोर विरोध दर्शाते हुए केंद्र सरकार, कर्नाटक प्रशासन एवं राज्य सरकारों को शीघ्र आवश्यक कदम इस संबंध में उठाने का कार्य करे और घटना की पूरी छानबीन कर शीघ्र ही अपराधियों का पता लगाया जाए और जैन साधु संतों को हमेशा सरकार की तरफ से संरक्षण प्राप्त हो, ऐसी मांग की गई है। NBCN न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।